नाउ दिस स्टोरी इज अमरस कॉमिकल हिलेरियस स्टोरी बिकॉज इट हैज फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टोरी है इसका जो मेन प्लॉट है वो क्या है कि भाई हाउस जो है वो मिरर में अपने आप को देख कर बहुत ज्यादा बोल सकते हो शॉक्ड हो जाता है मे बी बिकॉज ऑब्वियसली एक ही रीजन रहा होगा ऐसा तो है नहीं कि मिरर अपने आप को देखकर खुश हो रहा होगा अरे वाह में सॉरी स्नेक अपने आप को मिरर में देखकर खुश हो रहा होगा कि मैं बहुत ब्यूटीफुल या ये नहीं स्नेक जो है मिरर में देखकर ये सोच रहा होगा कि मेरे जैसा कौन है दिखने वाला एक और स्नेक कहां से आ गया यहाँ पे तो वो चीज देख वो शॉक्ड हुआ होगा एंड दैट्स वाई वो जो होम्योपैथ डॉक्टर है उनको छोड़कर चला जाता है सो so ये जो पूरी स्टोरी की थीम है कि, कि किस तरीके से एक मिरर जो है वो सेव करती है होम्योपैथ डॉक्टर को और स्नेक किस तरीके से अटेम्प्ट हो जाता है जैसे

तो इस स्टोरी के तीन कैरेक्टर्स तो हैं ही डॉक्टर स्नेक और और मिरर हमें तो हमें पता है कि ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड दैट मोमेंट कि जब स्नेक अपने आप को मिरर में देखता है एंड ही लीव्स होम्योपैथ डॉक्टर एंड ही सेफ्ट तो ये इसीलिए ये दो चीजों की वजह से पूरी स्टोरी जो है कंप्लीट होती है दैट्स वाई दिस टाइटल इज वेरी अप्रोप्रिएट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस अप्रोप्रिएट ओनली स्टोरी और इट इज जस्ट कन्वेइंग द मैसेज ऑफ द स्टोरी और सेकेंड थिंग होती है मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी दैट इज समथिंग जो आप बोल सकते हो येस द टाइटल इज अप्रोप्रिएट इन दीज टू केसेज एंड जो सेकंड केस है डेफिनेटलीट इज द वन जहां यहां पर ये जो टाइटल है वो अप्रोप्रिएट है क्लियर सो दीज वि

डॉक्टर लिव्ड इन स्मॉल रेंटेड रूम विच वॉज एन आउट हाउस या फिर वो आउट रूम था sort of वो रूम जो है वो घर के बाहर जो रूम होता है एक उस रूम में वो रहते थे दैट टू ऑन रेंट इज दैट मीन इट वॉज नॉट ओन्ड बाई द डॉक्टर तो लेटर इन दिन पता चलता है कि वो दो विंडोज ओपन कर देते हैं रूम की तो कम्प्लीटली जो दो रूम की बात हम कर सकते हैं सॉरी रूम की बात कर सकते हैं वो ये है कि दिस रूम है टाइल्ड रूफ The tiles were supported by gables which rested on the beam and there was no electricity supply to the room. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो tiles हैं वो supported थे किससे gables से और वहाँ पर you know एक beam पे जो rest कर रहे हैं यानी ये beam पे rest कर रहे हैं ये gable है अंदर का part और ये क्या है एक sloping roof. Clear? All right.

इट वॉज अ हॉट समर नाइट नाउ द स्टोरी बिगे फ्रॉम हेयर की उस दिन क्या हुआ इट वॉज अ हॉट समर नाइट एंड दैट्स वाई इतनी यू नो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इतनी गर्मी है तो ये जो डॉक्टर है उनको नींद नहीं आ रही थी

हाउस में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इट वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड तो उन्होंने क्या किया उन्होंने कैरोसिन लैंप को लाइट किया Then he took off his coat and shirt and opened the two windows. फिर वो अपना कोट जो अकेला एक solitary coat है उनके पास वो क्या है black coat वो remove करते हैं अपनी shirt remove करते हैं and not so white vest जो है वो भी remove करके hang कर देते हैं on somewhere कोई hook या कोई door पे hang कर देते हैं and open the two windows और फिर दो windows open करते हैं because वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो fan वगैरह हो हवा हो ventilation नहीं है तो obviously वो इतना hot summer night है तो to get that fresh air natural वो विंडोज ओपन करते हैं क्लियर ऑल राइट आफ्टर सम टाइम ही सेटल्ड ऑन द चेयर एंड टुक आउट अ बुक और थोड़ी देर बाद वो एक चेयर पे बैठ जाते हैं बिकॉज़ ही ट्राइड टू स्लीप उनको नींद नहीं आती वो बाहर जाते हैं वरांडा में वहाँ पर बिकॉज़ हवा नहीं चल रही बोलते हैं कि जो विंड गॉड है वो छुट्टी पे हैं तो उस दिन हवा नहीं चल रही है तो ही इज लाइक क्या करूं सो so ही रिटर्न बैक ठीक है वो वापस से रूम में एंटर होते हैं और वहां पर थोड़ी देर के बाद वो चेयर पे सेटल हो जाते हैं एंड टुक आउट अ बुक और फिर एक बुक निकालते हैं जो कि होती है मटेरिया मेडिका जिसके बारे में सॉर्ट ऑफ मेडिकल कुछ जानकारी होगी जो पढ़ने का सोचते हैं देर वॉज अ लार्ज मिरर ऑन द टेबल फिर जिस टेब, चेयर पे बैठे हैं उनके सामने जो टेबल रखी वहां क्या क्या रखा है एक लैंप है एक मिरर है और मिरर के जस्ट बगल में क्या रखा हुआ है एक कोम रखा है ही पिक्ड अप द कोम एंड पार्टेड इज हेर ऑबियसली जो नेचुरल है इफ़ यू हैव अ मिररर इन फ्रंट ऑफ व्यू यू विल बी टेम्प्टू हैव अ लुक इन द मेरा और सेम चीज होती है होवे पैड डॉक्टर के साथ वो एक बार मेरा में देखते हैं और वहाँ कोम भी रखा है भाई तो वो क्या करते हैं अपनी पार्टिंग को थोड़ा अच्छे से नीटली क्लीनली जो है कोम करने की कोशिश करते हैं देन ही प्रैक्टिस एन अट्रैक्टिव स्माइल फिर वो लिखा है ही लुक डेट इज रिफ्लेक्शन इन द मेरा वो खुद को देखते हैं मेरा में और फिर वो अपनी जो अट्रैक्टिव स्माइल है वो भी प्रैक्टिस करते हैं और इसके पहले वो क्या करते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि मैं यू नो हैंडसम लग रहा हूँ और मुझे जो है अब डेली शेव करना चाहिए एक थिन मुस्टैश ग्रो करनी चाहिए और स्माइल जो है हमेशा अपनी फेस पर रखनी चाहिए जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल है मेरी तो इससे मैं और ज्यादा स्मार्ट लगूंगा The room had many rats. They constantly made a noise, but this is according to the doctor. यानी ऐसा इस डॉक्टर को लगता है कि ये जो नॉइज है वो रैड्स प्रोड्यूस कर रहे थे चाहो तो ये लाइन रिमूव कर सकते हो कि इस रूम में ऑब्वियसली वर लॉट्स ऑफ रैड्स सो होम्योपैथ डॉक्टर वाज़ ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू दैट क्योंकि बार बार नॉइज आ रही है तो डेफिनेटली ये रैड्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसीलिए वो उसको क्या कर रहे थे बार बार इग्नोर कर रहे थे

He thought that he would marry a rich doctor having a good practice and that he would choose a fat lady as his wife. So, if he made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after him and. कैच है तो यहाँ पे उनकी क्या यू नो डिमांड्स थी कि किस तरीके की लड़की से उनको शादी करनी है तो ही वॉज लाइक आई वुड मैरी अ गर्ल और अ वुमेन जो कि डॉक्टर हो जो कि रिच हो बहुत ज़्यादा पैसा हो उसके पास जिसकी अच्छी प्रैक्टिस की हुई हो मेडिकल प्रैक्टिस एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वो फैक्ट होनी चाहिए और इसके लिए उनके पास एक जस्टिफाइबल रीजन था एक वैलिड रीजन था एक लॉजिक था एंड दैट वॉज कि अगर वो कोई गलती करते हैं इफ ही मेक्स अ मिस्टेक ही वुड रन राइट अवे फ्रॉम द लेडी क्योंकि वो उनको कुछ भी बोल सकती है चिल्ला सकती है कि क्यों किया ऐसा तो शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर दर रन आफ्टर द होम्योपैथ डॉक्टर एंड कैच हिम तो वो ये चीज दिमाग में सोचते थे दैट्स आई वुड मैरी अ फैट वुमन क्लियर He was so engrossed in his daydreaming that he did not give much importance to the sudden silence. और ये इतनी ज़्यादा आवाजें आ रही थीं फिर आवाज बंद हो गई दोनों ही चीज़ें बोलना चाहिए सडन silence भी बोल लीजिए या फिर एकदम से जो noises भी हो रही थीं। हर एक चीज़ को उन्होंने इग्नोर किया बिकॉज ही वॉज बिजी डे ड्रीमिंग यानी कि यू you यूनो know, खुली आंखों से सपने देख रहे थे वो कि मैं ऐसा करूंगा मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा मुझे यू you नो know, मुस्ताश रखनी चाहिए मैं इतना ज्यादा हैंडसम लगूंगा सो ऑल दीज थिंग वो एडमिरीशन वो सेल्फ ऑब्सेशन वो यू नो एक सॉर्ट sort ऑफ of बोल सकते हो डे ड्रीमिंग इन सब चीजों की वजह से ही वॉज काइंड ऑफ नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू द द सडन साइलेंस नीदर ही गिविंग टू नॉइज जो कि इसके पहले तक आ रही थी द रैट है डल थर्ड और उनको ऐसा लगा कि जो रैट्स वगैरह हैं वो भी अब साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा था मेबी यू नो ये जो रैट्स हैं वही हैं जो नॉइज कर रहे हैं बट सडनली एक थर्ड साउंड उनको सुनाई देता है एक डल सा साउंड सुनाई देता है जैसे कि कोई रबर ट्यूब जो है वो ग्राउंड पर गिरा हो as he turned his head a fat snake landed over his शोल्डर तो वो सोचते हैं कि देर इज नथिंग टू वरी अबाउट दिस साउंड बट फिर वो सोचते हैं कि मुझे यू you नो know, मुड़ के एक बार देख लेना चाहिए कि क्या गिरा किस चीज का साउंड था तो जैसे ही वो पीछे मुड़ने की कोशिश करते ही है उसके पहले ही देर इज दिस फैट स्नेक विच इज क्रॉलिंग यू नो ऑन द बैक ऑफ द चेयर एंड इट लैंड ऑन द शोल्डर ऑफ द होम्योपैथिक डॉक्टर Before the doctor could think of anything, the snake had coiled around his left arm, above the elbow. His hood was spread out. और इसके पहले कि वो कुछ सोच सकते कि मैं क्या करूं यूनो इससे बचने के लिए तो वो चीज जो है जब तक सोचें

ऑब्वियसली वो बोलते हैं नीदर मैं मैंने यू नो जंप किया ना ही मैं चिल्लाने लगा ना ही मैं शिवर कर रहा था डर के मारे बल्कि कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही थी मेरी बॉडी में मैं एक स्टैचू बन गया था बिकॉज अगर मैं थोड़ा सा भी मूवमेंट करता तो ये स्नेक जो है इट वुड हैव मी

सोच रहे होते हैं उस वक्त ये होम्योपैथिक डॉक्टर कि सपोज अगर ये स्नेक मुझे काट भी लेता है तो व्हाट वुड बी दैट मेडिसिन जो मेरे घर पे रखी है और जिसको मैं खाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा बट अनफॉर्चूनेटली उनके घर पे कोई मेडिसिन भी नहीं है वो एक फूलिश डॉक्टर की तरह लग रहे थे इस वक्त बिकॉज़ डॉक्टर हैं और घर पे मेडिसिंस नहीं है इन दिस मोमेंट ऑफ फियर ऑफ डेथ द पोएट रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ

गॉड इज देर उनकी प्रेजेंस जो है वो है एंड ही वॉज थिंकिंग और यू नो जस्ट इमेजिनिंग वो अपने हार्ट के बाहर जो है ब्राइट लेटर्स में ओ गॉड लिख रहे हैं

The moment he accepted his true worth, the snake crawled off and sat on the table in front of the mirror. Maybe यहाँ पे ये भी बोलना चाह रहे हैं कि God wanted to, uh, you know, make this homeopath doctor to realize the thing. What is your real worth? ठीक है तुम हो क्या exactly life में? What is your, you know, status at that point of time? जिस तरीके से तुम सोच रहे हो मैं एक पैसा है लड़की से शादी करूँगा, fat होनी चाहिए, I should look handsome, uh, मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरी smile attractive है. So all these things were like opposite of what he was, what he's thinking right.

The snake crawled off and sat on the table in front of the mirror. And snake जो है वो जाकर कहाँ बैठ गया? Mirror के सामने. Apparently it wanted to see its reflection more closely. Maybe uh, जो homeopathy doctor उनको लग रहा था कि हो सकता है snake को अपना close look देखना था. इसीलिए वो जाकर table पे बैठ गया. This was the doctor's opportunity. And obviously this was the right time for doctor to just move out of this place. उस जगह से भागने के लिए right opportunity थी कि वो अपने आप को save कर ले. वेरी स्लोली ran फ्रॉम द चेयर हाउस इन नो moments. वो धीरे से उठते हैं बहुत स्लोली जाते हैं अपने डोर की तरफ और वहां से भागने की कोशिश करते हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग रिटर्न टू room रूम टू फाइंड दैट ऑल हिज were robbed एक्सेप्ट द डर्टी वेस्ट hanging ऑन हिज रूम hanger. तो वो जो है क्या करते हैं तब तक भागते हैं जब तक वो अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुंच जाते जैसे ही वो अपने फ्रेंड के घर पहुंचते हैं देयर ही जस्ट कवर्ड हिमसेल्फ विद ऑयल ही टुक अड इन टू फ्रेश क्लोथ एंड नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड एट थर्टी ए एम वो अपने फ्रेंड के साथ और कुछ दो चार और लोगों के साथ अपने रूम पे पहुंचते हैं सो so दैट वो सारी चीजें वहां से शिफ्ट करके कहीं और शिफ्ट हो जाए बट एज ही वेंट देर टू टेक दोज थिंग्स सो दैट ही कुफ्ट टू अदर प्लेस देर वॉज नथिंग जो कि उनको कैरी करने के लिए मिलता बिकॉज जब वो भागे थे ऑब्वियसली वो रूम खुला छोड़ के भागे थे तो उसी वक्त अ जिसने अपॉर्चुनिटी ली चोर था भाई ही एंटर्ड ही टुक एवरीथिंग फ्रॉम यू नो दिस होम्योपैथ डॉक्टर्स हाउस बट वो एक चीज छोड़ के गया फॉर सॉर्ट ऑफ यू नो इंसल्ट ऑफ होम्योपैथ डॉक्टर एंड दैट वॉज द डर्टी वेस्ट जो कि होम्योपैथ डॉक्टर जो है पहने हुए थे एंड ही जस्ट

As the doctor concluded his tale, the listeners were eager to know about the whereabouts of the snake and asked him several questions pertaining to it. Obviously, जैसे ही ये story खत्म होती है जो बाकी के listeners हैं जिन्हें ये होम्योपैथ doctor सुना रहे हैं अपनी story, वो बहुत ज़्यादा relieved feel करते हैं They take a breath of sigh of relief and they are like, thank God saved हो गए भाई होम्योपैथ doctor. But obviously उनके दिमाग में बहुत से questions आते हैं तो one of them क्या पूछते हैं कि is your wife fat? तो ये चीज़ का answer क्या देते हैं होम्योपैथ डॉक्टर नो माई वाइफ इज नॉट फैट शी थिन एक रीड प्लांट की तरह वो थिन है एंड ऑल्सो शी इज गिफ्टेड यू नो विथ कि वो बहुत अच्छी रनर है बहुत फास्ट रन भी कर लेती हैं तो ये दोनों ही चीजें जो है उनको मिली बिकॉज गॉड हैज़ अ बेटर प्लान फॉर हिम ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आपने उस स्नेक को वापस देखा या डिड दैट स्नेक फॉलो यू तो वो यही बोलते हैं कि नहीं मैं इतना टाइम तक भाग रहा था जब तक मैंने अपनी वर्थ रियलाइज नहीं कर ली और मैं अपने फ्रेंड्स के घर पे नहीं पहुंच गया तो मैं भागता जा रहा था तो देर वुड बी यू नो देर वॉज नो मोमेंट कि जब मुझे लगा कि वो स्नेक जो है उनको फॉलो कर रहा है The doctor finally wrapped up his story stating that he never saw the snake again and assumed probably it was allured by its own beauty but at the end koi you know, poochta snake ko wapas dekha he was like I never saw this snake when I went you know to the room because I think that snake was यू नो अल्योर्ड by इट्स ओन ब्यूटी वो खुद ही खो गया होगा अपनी यू you नो know, खूबसूरती देखकर कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ मिरर में और इसीलिए वहाँ से चला गया होगा तो ये चीज पेंट करते हैं कौन होम्योपैथ डॉक्टर अपनी स्टोरी को कि मे बी दैट स्नेक वॉज अ ल्योर्ड और वॉज टेकन बाय और वॉज यू नो लाइक कि मेरी बहुत अच्छी ब्यूटी है तो उस चीज को लेकर वो वहाँ से चला गया होगा सो दिस इज हाउ दिस कॉमिकल दिस हिलेरियस स्टोरी एंडस क्लियर ऑल राइट

ऑल्सो यहाँ पर ये जो थीम है या मैसेज है वो क्या है तो बहुत से मैसेजेस हैं नंबर वन तो यही है कि ऑलवेज यू शुड नो योर वर्थ आपको ये जरूर पता होना चाहिए आप एग्जैक्टली exactly लाइफ में हो क्या डोंट बी लाइक टेम्पटेड विथ जस्ट मटेरियलिस्टिक थिंग्स या फिर सिर्फ ब्यूटी से एडमायर हो जाना इज नॉट द थिंग जो आपको करना चाहिए यू शुड बी अवेयर वॉट एज अ पर्सन यू आर इन योर लाइफ वॉट इज योर स्टेटस वॉट यू कैन डू टू ग्रो इन लाइफ राधा जस्ट थिंकिंग अबाउट कि मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ और आई एम हैंडसम लुकिंग मुझे इससे शादी करनी है मुझे इस तरीके से कोई चाहिए फर्स्ट बिकम लाइक दैट तो दैट इज समथिंग जो ये होम्योपैथ डॉक्टर हैं वो भी अपनी वर्थ को रियलाइज करते हैं नंबर टू थिंक दैट वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड फॉर बटेवर वी हैव इन एवरी सिचुएशन वी शुड नॉट वेट टू थैंक गॉड फॉर ओनली द डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर डेंजरस सिचुएशन की बात ही यू you नो know, सोचो कि तभी हम भगवान को थैंक यू बोलेंगे नहीं यू शुड भी थैंकफुल टू हिम इन एवरी एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ एन एवरी डे ऑफ लाइफ बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो कि हर दिन आपको मिल रहा है इट्स बिकॉज ऑफ इज ब्लेसिंग सो दैट इज समिंग जो यहाँ पर बताना चाहते हैं ये जो ऑथर हैं ऑल्सो यू गेट टू अंडरस्टैंड नेवर इग्नोर स्मॉल स्मॉल थिंग्स अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है डू गो एनालाइज ऑब्जर्व इट नेवर फॉर्म अ प्री कंसीव्ड नोशन दैट भैया ऐसा ही हुआ होगा ये तो साउंड है द वे होम्योपैथ डॉक्टर डिड बिकॉज दैट वॉज नॉट द राइट थिंग ही डिड इसके पहले ही अगर वो चेक कर लेते ही वुड हैव गॉट रिड ऑफ दैट स्नेक बिफोर ओनली और इस चीज सिचुएशन उनको नहीं देखनी पड़ती देखो हो सकता था बिकॉज ऑफ दैट को मिलती है दू नॉट वेट फॉर द मोमेंट की हाँ ठीक है देखेंगे जो भी होगा यू शुड ऑलवेज कीप एन आई की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एंड यू शुड एनालाइज एंड ऑब्जर्व डिफ्रेंट सो आई होप आपको ये सारी चीजें ही कन्वे हुई है स्कूल एडुकेशन फ्रॉम क्लास फोर्थ टू क्लास ट्वेल्थ सो जब भी आपको किसी भी क्लास से रिलेटेड डाउट है जो भी आप देखना चाहते हैं डू गो एंड विजिट फॉर दीडियो डेफिनेटली आपके डाउट जो है बहुत क्लियर हो जाएंगे और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय